भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के अमृत नगर परिसर में एक कोरोना वायरस का पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया है, जिसकी वजह से पूरे मुंब्रा में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मुंब्रा शहर में जिस तरह से बार बार एहतियात बरतने के लिए चाहे पुलिस टीम हो या फिर कोई स्थानीय संगठन हो या फिर मुंब्रा शहर के और भी जिम्मेदार लोग हों, वो लोग लगातार मुंब्रा शहर के वासियों से अपील करते रहे कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें, अपने घरों से बाहर ना निकलें, मगर इसके बावजूद मुंब्रा शहर में देखा जा रहा था कि लोग खुलेआम सड़कों पर घूम रहे थे, गलियों में घूम रहे थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी एहतियात नहीं बरता। जो यहाँ के स्थानीय आमदार हैं वो यहाँ की गलियों में लोगों को जा जाकर बार बार समझा रहे थे कि कोरोना वायरस कितना ख़तरनाक बीमारी है, इसके बारे में जानकारी दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद मुंब्रा शहर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है इसमें लापरवाही सबसे ज़्यादा बरतते हुए नजर आए, जिसके बाद मुंब्रा में SRPF भी तैनात की गई कि लोगों को जो है घरों में रखा जाए, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर बिना मास्क के वो निकल पड़ती हैं, कभी डॉक्टर के पास जाने का बहाना तो कभी और किसी बहाने से, सिर्फ बहानेबाजी कर कर जो है सड़कों पर देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा महिलाएँ हों या फिर पुरुष हों, वो कोई ना कोई बहाना, सब्जी लेना है, ये लेना है, वो लेना है, तमाम बहानेबाजी करके जो है वो सड़कों पर निकलते हैं। लेकिन अब जिस तरह से एक कोरोना पॉजिटिव अमृत नगर परिसर में पाया गया, जिसकी पुष्टि यहाँ के कैबिनेट मंत्री व मुंब्रा कलवा के आमदार जितेंद्र आव्हाड ने की है, उन्होंने बताया है कि अमृत नगर परिसर में एक कोरोना वायरस पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया है, जिसके बाद पूरे मुंब्रा में जो है हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से बात कही जा रही है कि सोशल डिस्टेंस बनाना बेहद ज़रूरी है, एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है, लेकिन मुंब्रा शहर में ये सब चीज़ों की लापरवाही सबसे ज़्यादा नज़र आ रही थी। अब कहीं ना कहीं जो है कल से जो है मुंब्रा शहर में और भी सख्ती बरती जाएगी। लोग ऑटो लेकर निकल जाते हैं, सवारी लेकर उस पर चलने लगते हैं, पुलिस बार बार इन्हें समझाती है, घरों में रहने को कहती है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो घरों से निकलना बंद नहीं कर रहे हैं, किसी न किसी बहाने से वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और तमाम दलीलें देते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए हम लोग घर से बाहर निकले। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब पूरे मुंब्रा में जो है अब हाहाकार मचा हुआ है, पूरे मुंब्रा के लोग जो है अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब शासन प्रशासन मुंब्रा को लेकर जो है सख्ती और तेज़ बरतेगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा था कि लोग बहानेबाजी करके बाहर निकल रहे हैं गलियों में, अगर जैसे ये दरगाह गली है और भी ऐसे संजय नाका है, जो यहाँ पर ऐसी गलियाँ हैं उन गलियों में अगर जाएंगे आप तो आपको लगेगा कि ये 10-10, 15-15 लोगों के ग्रुप जो है ऐसे बनाकर बैठे रहते हैं, बातें करते हैं, घूमते हैं, पुलिस आती है उसके बाद वो लोग भाग जाते हैं, पुलिस जैसे बाहर निकलती है वो फिर वहाँ आकर बैठ जाते हैं। इस तरह के हमारे पास कई लोगों ने वीडियो भी भेजे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो फ़ोन करके शिकायत करते हैं कि यहाँ के जो गली में रहने वाले लोग हैं वो लोग जो है यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करते हैं, कहीं ना कहीं जो है कोरोना वायरस को लोग जो है कोरोना वायरस खतरे को जो है लोग भाप नहीं पा रहे, लेकिन ये इतना ख़तरनाक है कि अब मुंब्रा में भी एक कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया है। क्या कहा है कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने, खुद सुनिए आप। अरे ऊपर वाले की नेमत है, एक अच्छा काम मेरे हाथों से नहीं, इन लोगों के हाथों से, अकेला का काम नहीं, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, इंसानियत की सेवा, इससे बड़ा काम क्या होता है, इससे बड़ा कोई काम नहीं। ऐसा करने का मौका अगर मिला है तो ऊपर वाले का शुक्र मना। नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो मुंब्रा शहर हुआ या कलवा हुआ, तो आपके पास वक्त ना रहते हुए भी आप फिर इन शहरों में गलियों में जा रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं। और कुछ नहीं है, वक्त हर एक के पास रहता है, 24 घंटा है, अगर सोऊंगा नहीं तो भी कुछ, अल्लाह सेहतमंद रखता है, मेहनत करने वाले को अल्लाह हमेशा सेहत से भर। एक तकलीफ है लोगों में, जो सुबह 8 से 11 बजे तक लॉक छूट दी गई है लोगों को। मैं बात बोलता हूँ उसके बारे में, मेरा जो डिसीजन है उसमें बदलाव नहीं आएगा। आपको लेना है आओ 8 से 12 बजे घर चले जाओ, और कल से और स्ट्रिक्ट होने वाला है,
मैं ये बात बताने वाला नहीं था, लेकिन अब बताता हूँ कि अमृत नगर में एक पॉजिटिव पेशेंट पाया गया है। आप मजाक मस्ती छोड़ दो, ये शाम को मैं जा रहा हूँ अम्मी की मेडिसिन लेने को, खाला का ये लेने को, रिलीफ वर्क, कोई रिलीफ बिलीफ का सामान मत बांटो, घर में बैठो। एक पेशेंट का अमृत नगर में आना ये धोखे का इशारा है। अभी भी धोखा नहीं समझ रहे हो तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। मैं ये बोलने वाला नहीं था, लेकिन वक्त पे बोलना पड़ेगा। और बुरा मत मानो, मेरा कोई पर्सनल कुछ नहीं है, इस शहर की मुझे चिंता है, कलवा के शहर की मुझे चिंता है, इसलिए इतने दिल से बात करता हूं। अगर आपको आपके जान की कीमत नहीं है तो किसी को क्या लेना देना है। आप आ जाओ, रस्ते पे घूमो, मजा करो। अगर मरना ही है तो दावत दे दो, बुलाओ 1000 लोगों को और खत्म करो बात। हमको यह मालूम है कि कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिल रही है, लोग मना कर रहे हैं दफनाने को, मालूम है क्या? अगर ये नहीं मालूम है, इससे भी आपको पता नहीं चलता है कि ये नाराजगी कितनी है ऊपर वाले की तरफ से, तो आपको कौन समझाएगा? आपको वो भी नहीं समझा सकेगा। ये गुस्सा है मेरे दिल का कि मैं इतना 15 दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, घर में बैठो, घर में बैठो, घर में बैठो, कोई शर्म कोई हयात। नौजवान बच्चे मोटरसाइकिल पे घूम रहे, बिना मास्क के घूम रहे, बिना ग्लव्स के घूम रहे। अगर आज भी बात समझ में नहीं आ रही तो ये शहर को कोई नहीं बचा सकता। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।